मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, या फिर BIA भी बोलते हैं। BIA स्टैंड्स फॉर बर्नड इन एड्रेस, आपके सिस्को के राउटर्स स्विच में लिखा होता है, इसको BIA बोलते हैं। फिजिकल होता है आपके लैपटॉप पर, मैक एड्रेस लिखा होता है आपके मोबाइल फ़ोन पर। इन सब का मतलब एक ही है कि एक हार्डवेयर का एड्रेस होता है आपके फिजिकल डिवाइस का। एड्रेस दो टाइप का होता है, आपका फिजिकल एड्रेस और एक होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस होता है जैसे मेरा नाम योगेश गहलावत, ये एक फिजिकल एंटिटी है, और लॉजिकल एड्रेस होता है जो मेरा घर है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिस एड्रेस की हेल्प से आप मुझ तक पहुँच सकते हो। मैक एड्रेस इज़ ग्लोबली यूनिक, ये किसी भी दो डिवाइसेस का कभी भी सेम नहीं होगा। मैक एड्रेस किसी भी लैपटॉप का नहीं होता, वो होता है जो लैपटॉप में NIA नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है उसका। आप उस कार्ड को चेंज कर दोगे तो आपका मैक एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। आपके लैपटॉप के इथरनेट से जुड़ने के लिए, इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक तरीका है आप इथरनेट केबल यूज़ कर लें, एक तरीका है आप वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो, एक तरीका है आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो सकते हो, ब्लूटूथ से भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो आप। इन सभी का एक अपना अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। लैपटॉप कैन हैव मल्टीपल मैक एड्रेस, बट वाईफाई वाले कार्ड का अलग मैक एड्रेस होगा, ब्लूटूथ वाले कार्ड का अलग मैक एड्रेस होगा, एंड आपका ईथरनेट वाले कार्ड का अलग मैक एड्रेस होगा। तो एक लैपटॉप में जितने NIC लगे होंगे, जितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होंगे, उनके उतने ही मैक एड्रेस होंगे। तो मैक एड्रेस इज़ ग्लोबली यूनिक। मैक एड्रेस आपका 48 बिट्स का होता है और 6 बाइट्स का होता है। 48 बिट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, 24 बिट्स आपकी OUI में होती हैं और 24 बिट्स आपकी वेंडर स्पेसिफिक होती हैं। कंपनी है सिस्को, वो या डेल हो गई, तो मैक एड्रेस बनाने का हर अलग अलग होता है हर एक वेंडर। वो कैसे होता है वो, दिस इज़ बिकॉज हमारे 48 बिट्स के मैक एड्रेस को हमने 24 बिट्स में डिवाइड कर लिया। 24 आपका OUI होता है और बाकी का 24 आपका वेंडर स्पेसिफिक होता है। किसी दो कंपनी की सेम मैक एड्रेस सीरीज नहीं हो सकती। आपका कभी भी OUI भी कभी भी सेम नहीं होगा। मैक एड्रेस इज़ रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल 34ABCDEF6949। और लैपटॉप में PC में चेक करेंगे तो किसी इस तरह नज़र आएगा, और अगर आप मोबाइल फ़ोन में चेक करोगे तो आपको 34:AB: ऐसे नज़र आएगा। अगर आप सिस्को के राउटर स्विच पे ऐड देखोगे तो आपको 34AB:CDEF:6949 ऐसा दिखाई देगा। तो वहाँ पर 4-4 एक साथ लिखे होते हैं, तो ये तीनों ही मैक एड्रेस हैं, बट रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैक एड्रेस में टोटल 48 बिट्स होता है, 24 बिट्स आपकी होगी ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, और इसकी आगे की 24 जानी जाती है वेंडर स्पेसिफिक के नाम से। तो उसका मैक एड्रेस डेसिमल करेक्टर से डिफाइन होता है, और एक हेक्साडेसिमल करेक्टर में 4 बिट्स होते हैं। अगर आपको आपके 12 हैं तो 12 × 4 हो गए 48 बिट्स हो जाएंगे। तो कोई भी दो कंपनी स्टार्टिंग के जो 24 हैं अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, वो आईना में से लेने पड़ेंगे, जो एक ग्लोबल लेवल पर एक IP एड्रेस और मैक एड्रेस प्रोवाइड कराने का अथॉरिटी है। आईना स्टैंड्स फॉर
इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो आगे के हाइब्रिड डेसिमल करेक्टर आईना प्रोवाइड करेगी और बाकी के पीछे बचे हुए 6 करेक्टर कंपनी अपने हिसाब से खुद बना लेंगे। सपोज अगर एक कंपनी में आईना को बोल दिया कि OUI दे दो, तो लेट से उसमें ये दे दिया और ये वाला कोई यूज़ कर लो, तो दूसरी कंपनी डिफरेंट OUI को देगा, इसलिए मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हेक्साडेसिमल और यहाँ लिखेंगे बाइनरी। डेसिमल में 0 लिखा है तो हेक्साडेसिमल में भी 0 लिखा जाएगा, और बाइनरी में उसको 4 बार लिखा जाएगा 0000। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 को डेसिमल में लिखोगे तो आप हेक्साडेसिमल में भी 1 लिखोगे एंड बाइनरी में आप लिखोगे 0001। आपको बस ये लिख लेना है, 0 अलग से जो टेबल बनी हुई है इसमें देखना 0000 एंड 1248, इसको पीछे की तरफ से पढ़िए 1248, ये फिक्स है। आपको बस ये याद रखना है, इसके बाद जो भी वैल्यू बनानी है हम इसके बेस पे बनाएंगे। अब डेसिमल में 2 लिखा हो तो डेसिमल में हेक्साडेसिमल में भी 2 लिखेंगे। अब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने जो याद किया था 0000 1248, इसमें 2 की जगह 1 कर दो, जो 2 के नीचे जो 0 है उसको 1 में कन्वर्ट कर दो, तो नंबर क्या बनेगा आपका 0010। आपको जो भी वैल्यू बनानी है उसको 1 कर दो, अगर 2 लिखना है तो 2 के नीचे जो 0 है उसको 1 कर दो, बाकी को एज इट इज लिख दो। अगर आपको 3 लिखना है तो 3 होता है आपका 1+2, तो इन दोनों वैल्यूज़ को 1 कर दो, बाकी को एज इट इज लिख दो। मतलब 2 के नीचे जो 0 है और 1 के नीचे जो 0 है उसको 1 कर दो, बाकी को एज इट इज लिख दो, तो वैल्यू बनेगी आपकी 0011। अब आपको 4 लिखना है तो 4 के नीचे वाले 0 को 1 कर दो, बाकी एज इट इज लिख दो 4, तो बाइनरी में 4 ऐसे लिखते हैं। अगर आपको 5 लिखना है तो 4+1, 4 के नीचे वाले जो 0 है उसको 1 कर दो और 1 के नीचे जो 0 है उसको 1 कर दो, आपका नंबर बनेगा 0101। तो अगर आपको बाइनरी में 5 लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि टेबल पर आते हैं, टेबल में देखो 5 होता है हमारा 3+2। डेसिमल में देखिए, सॉरी 4+1, डेसिमल में देखिए, अगर आपने डेसिमल में 5 लिखा है तो इसका मतलब है 4+1, तो 4 के नीचे की जो 0 है और 1 के नीचे की जो 0 है उसको 1 में कन्वर्ट कर दो, तो आपका नंबर बनेगा 0101। तो ऐसे ही सो ऑन हमने 0 to 9 डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में लिख लिए, ये दोनों सेम होते हैं। अब 10 की बात करते हैं। अब देखेंगे कि 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही 11 को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही ट्वेल्व को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से, ऐसे करके हेक्साडेसिमल में हाईएस्ट नंबर आपका एफ होता है। तो हमने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर टू ए हेक्साडेसिमल। लेट्स से आपके पास एक नंबर है
10011100010011100010011100. तो पहले आप इस नंबर को चार चार बिट्स में कन्वर्ट कर लोगे तो ये क्या बनेगा, 10101100010011100011110. अब जो नंबर वन है, वन आपके एट को रिप्रेजेंट करेगा, ज़ीरो फोर को रिप्रेजेंट करेगी, वन टू को रिप्रेजेंट करेगा, ज़ीरो वन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे एज इट इज़। नेक्स्ट में जो वन एट को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट वन फोर को, नेक्स्ट वन टू को, नेक्स्ट वन वन को, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा ये। तो हेक्साडेसिमल में एफ को बोल 15 को बोलते हैं एफ। तो ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू बनेगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, जो जहाँ जहाँ वन है वहाँ उस वैल्यू को जोड़ दो। जैसे 1010 में दो जगह पे वन है तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो, वन एट प्लस टू, तो ये हमारा क्या बन गया, 10। 10 को मैं हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ए। नेक्स्ट नंबर है 1111, इसमें सभी वैल्यूज को ऐड कर दो, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये बनेगा 15, ये बनेगा आपका F। 0010 मतलब ये बनेगा आपका 2। तो ऐसे ही नेक्स्ट बनेगा E, नेक्स्ट बनेगा 1 एंड नेक्स्ट बनेगा आपका E। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। स्विच इज हैविंग यूनिक मैक एड्रेस बट राउटर्स के केस में राउटर इज हैविंग मैक एड्रेस ऑफ ईच इंटरफेस। स्विच के केस में एक यूनिट मैक एड्रेस होगा बट राउटर के केस में हर एक पोर्ट का अलग अलग मैक एड्रेस होगा। अगर राउटर में सपोज चार पोर्ट हैं तो उसके चार मैक एड्रेस होंगे। आपने राउटर के पीछे देखा होगा 0/00/11/0, ये हर एक इंटरफेस का एक अलग मैक एड्रेस होता है, बट स्विच के केस में वह एक ही होगा। आप अपने लैपटॉप पर सर्च करना CMD, फिर उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, उसके आपको वहाँ पर टाइप करना है /ipconfig/all। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसमें एक फिजिकल एड्रेस लिखा होगा तीन चार बार, एक आपका वाईफाई का फिजिकल एड्रेस होगा, एक आपका इथरनेट का फिजिकल एड्रेस होगा, अलग अलग एड्रेसेस लिखे होंगे आपके, आपका ब्लूटूथ का एड्रेस अलग होगा इथरनेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक एड्रेस। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।